ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार सावन में ही समुद्र बंधन हुआ था, जिसमें शिव जी ने विष्पान कर समस्त सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन इस हलाहल विष के कारण उनके गले में असहनीय दर्द उठा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। यही वजह है कि सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का विधान है। मान्यता है कि सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाए तो सारे दुख दर्द रोग दोष दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे कांसे या चांदी के पात्र को सबसे अच्छा माना जाता है, वहीं दूध चढ़ाने के लिए पीतल या चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय साधक को उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में मुख करके जलाभिषेक करने पर माता पार्वती और शिव दोनों का आशीर्वाद मिलता है। भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय जल की एक पतली धारा बनाकर मंत्र जाप करते हुए जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। बैठकर और शांत मन से जलाभिषेक करें। शिवजी की पूजा में शंख वर्जित है, ऐसे में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शंख का इस्तेमाल ना करें। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड़ नाम की दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।